राजस्थान के जैसलमेर में रामगढ़ के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान दिल कपाने वाली घटना हुई है। चिकित्सा कर्मियों ने प्रसव के दौरान बच्चे के पैर इतनी जोर से खींचे हैं कि उसके दो टुकड़े हो गए। बच्चे का धड़ तक का हिस्सा तो बाहर आ गया, लेकिन सिर का अंदर ही रह गया। बच्चे के दो टुकड़े होने के बारे में चिकित्सा कर्मियों ने परिजनों को कुछ नहीं बताया और महिला को जैसलमेर के लिए रेफर कर दिया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। तीन दिन पहले दीक्षा कंवर को प्रसव पीड़ा के चलते उसके परिजन रामगढ़ अस्पताल ले गए। यहाँ भर्ती करने के बाद चिकित्सा कर्मी अमृत राम ने कहा कि इसे जैसलमेर ले जाओ। रामगढ़ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर निखिल शर्मा ने बताया कि महिला जब अस्पताल के प्रसव कक्ष में पहुंची, तब शिशु के पैर बाहर नजर आ रहे थे और वो मृत था। यहाँ पूरी सुविधा नहीं होने के कारण केस जैसलमेर रेफर कर दिया गया। इस संबंध में कंपाउंडर अमृत राम से बात करने चिकित्सा कर्मी ने बताया कि महिला और बच्चा कमजोर था, प्री मेच्योर डिलीवरी थी और बच्चा मृत ही था। इमरजेंसी में हमारे यहाँ देर रात लेके आए उनको, प्रसूता बहुत कमजोर थी और हमारे चिकित्सा कर्मी ने मानवता के नाते उनको बहुत हेल्प की। उसके बाद में उनको वहाँ से जैसे में रेफर कर दिया गया। जच्चा बच्चा बहुत कमजोर थे और बच्चा मृत था, उसके पैर दिखाई दे रहे थे। लगभग 9 माह का है, इस कारण महिला व बच्चा कमजोर था और इसकी प्राइवेट हॉस्पिटल जैसलमेर में जांच में पुष्टि हुई है तथा उन्होंने जोधपुर में इलाज के लिए डॉक्टर साहब ने सलाह दी थी। ये डिलीवरी प्रीमेच्योर डिलीवरी है, लगभग 6 माह का बच्चा था। जैसलमेर रेफर करने पर जवार अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र सांखला को रामगढ़ से बताया गया कि डिलीवरी हो गई है, लेकिन आंवल अंदर रह गई। रात 1 बजे डॉक्टर सांखला ने आंवल निकालने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने महिला की तबीयत को स्थिर किया और अगले दिन सुबह फिर से प्रयास किया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया, जिसके चलते जोधपुर रेफर कर दिया गया। रामगढ़ से एक नाइट में आया था केस 2 दिन पहले, जब डिलीवरी बताई थी कि वहाँ हो चुकी है रामगढ़ में, उसकी प्लेसेंटा है जो अंदर रह गई है उसको निकालना है, बाकी रह गया था वो वहाँ निकली नहीं। ऐसा करके केस रात को भर्ती हुआ था और मुझे कॉल भिजवाई गई, फिर मैंने आके इसको चेक किया था और जब घर वालों से पता किया तो उन्होंने कहा साहब डिलीवरी तो वहाँ हो गई है, वहाँ आंवल नहीं निकली तो उसके लिए लेके आए हैं। मैंने उसको चेक किया तो पाया कि बच्चेदानी का मुँह बंद था और पेशेंट स्टेबल थी, थोड़ी बहुत तकलीफ में लगी तो उसको मैनेज किया हमने, ब्लड वगैरह लगाया और जो जो आवश्यक दवाइयाँ थी और जो हमें करना चाहिए प्लेसेंटा निकालने के लिए हमने सारे प्रयास किए, लेकिन वो नाकामयाब रहे। जोधपुर के उम्मीद अस्पताल में दीक्षा कंवर को उसके परिजन लेकर पहुंचे। यहाँ चिकित्सकों ने महिला के प्रसव का प्रयास किया तो केवल बच्चे का सिर ही निकला। तब उसके परिजनों को बात समझ में आई और वे सीधे ही बच्चे का सिर लेकर रामगढ़ पुलिस थाना पहुंचे। फिलहाल प्रसूता की हालत नाजुक है और वो जोधपुर में ही भर्ती है। श्री जवाहर अस्पताल PMO स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बताया कि मैं कई वर्षों से प्रसव करा रही हूं, मेरे जीवन में ऐसा केस नहीं देखा, बच्चा 2 हिस्सों में बंट गया। रामगढ़ में डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी जब हुई तो उस समय उल्टा बच्चा आया था और बच्चा धड़ तक तो उसका निकल गया बाहर और सिर नहीं निकला, तो शायद स्टाफ ने जो रामगढ़ में ड्यूटी करा रहा था उन्होंने कुछ खींचतानी करी होगी, मैनिपुलेशन किया होगा या पता नहीं किस कारण से ये जो सिर अंदर रह गया और खाली गर्दन तक का बच्चा आ गया, नीचे का पूरा शरीर ये। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मेरे इतने सालों की नौकरी में, 30 साल की नौकरी में, मेरे 30 साल की डिलीवरी कराने की प्रैक्टिस में ऐसा कभी हुआ नहीं, ये मैंने भी पहली बार सुना है। पूछताछ की तो रामगढ़ अस्पताल से लाया गया। जब महिला के परिजन बच्चे का सिर लेकर रामगढ़ थाने पहुंचे और रामगढ़ पुलिस ने वहां के चिकित्सा कर्मियों से पूछताछ की तो उन्होंने बच्चे का धड़ ला कर दे दिया। महिला के पति तिलोक सिंह ने रामगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया। उप निरीक्षक जालम सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर शव के हिस्सों को पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। मैंने वो दर्द उठी जना लिया है हॉस्पिटल रामगढ़, एम्बुलेंस ला लिया थी टूटी और बच्चों जनमान लग गया, बच्चों बाहर है, ये धड़ा आधा निकले बाहर निकले जरा अमृत कही हो गया,
ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਣਾ ਆਣਾ ਹੋ ਜੁਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਜਣਾ ਜੁਜਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤਨ ਕਰੀ ਜਣਾ ਸਿਰ ਰੇਗੀਓ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਿਰ ਰੇਗੀਓ ਅੰਦਰ ਜਣਾ ਵਜਾਈ ਦੇਖਣੇ ਲੱਗੀ ਦੇਖਣੇ ਬਾਅਦ ਜੁਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੀ ਵਜਾਈ ਕੋ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕਾ ਕੀਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧੜ ਯਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬੋਲਾ ਗਿਆ ਜਾਓ बहरहाल इस तरह की घटना से डॉक्टरों से तो विश्वास कम होता ही है साथ ही सरकारी जाप